बहुत अच्छा लगा यहाँ कर जो डिफरेंट आज फैशन शो के अंदर जो डिफरेंट था वो यहाँ की संस्कृति को लेकर पहली बार मतलब मैंने महाराष्ट्र की जो वो जो वेशभूषा है उसमें सबको वॉक करते हुए देखा। और जो स्पेशल फीमेल्स का कोई पर्टिकुलर एज ग्रुप जो हर जगह पर होता है, हर फैशन शो में होता है, वो इसमें नहीं था। तो वो मैं समझता हूँ कि वो बहुत अच्छा था। और यहाँ से लोकल लोग हिंदी इंग्लिश सब लोग बोल रहे हैं, इन द सेंस मतलब एक पर्टिकुलर जो एक सोसाइटी के लिए शो होता है ना, ये सोसाइटी के लिए नहीं, ये एक इंडिया के लिए शो है, जहाँ पर सब आम लोग, आज आम लड़कियाँ जो ये ऐसा शो देखकर एक्साइटेड हो सकती है, इसके लिए बहुत सारी चीज़ें कर सकती है, और वो भी कहीं ना कहीं ऐसे फैशन शोज़ में हिस्सा ले सकती है। और अगर ऐसे फैशन शोज होते रहे तो मैं समझता हूँ कि हमारी सोसाइटी की जितनी भी सभी वर्ग की लड़कियाँ हैं उन्हें बहुत अच्छा चांस मिलेगा। और ऑल द बेस्ट इन सभी लोगों को जो इन्होंने इतना खूबसूरत और अच्छा शो बनाया। मेरा नाम विक्की हाडा है। थैंक यू। मैं श्रुति मैम का थैंक्स कहना चाहूँगी कि उन्होंने बताया कि एज के हमारे दिमाग में होती है तो हम किसी भी एज में ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मैं खुद 25 साल हाउसवाइफ की लाइफ निकालने के बाद भी 45 की एज में ये कर सकती हूँ, तो कोई भी कर सकता है। थैंक्स। अच्छा लग रहा है ताज पहन के। स्मृति मैम ने और शेखर सर ने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है मिसेस के लिए, और ये क्राउन देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। थैंक यू। खुश हूँ मैं आज, बिकॉज बीइंग अ डॉक्टर इज नॉट इजी, बीइंग अ मॉडल इज आल्सो नॉट इजी, एंड दिस टू थिंग्स प्रोफेशंस आर टोटली अपोजिट, एंड दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। सो मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला मुझे आज, एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि आज ये ताज है मेरे सर पे। एंड ट्रेनिंग लिया उन्होंने, बहुत मेहनत की वहाँ पे, मेहनत पे से ग्रूमिंग हुआ। स्मृति मैडम ने अच्छा उनको ट्रेनिंग दी है, उसकी वजह से उनको बहुत ये मिला है। या इन्होंने और इनके फैमिली मिलकर टोटली महाराष्ट्र शो, टोटली वी आर स्टेइंग इन महाराष्ट्र, और ऐसा शो हम लोगों ने कभी देखा नहीं है।
शो करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिस टाइप से ये लोगों ने इनपुट डाला है और जिस टाइप से, इनफैक्ट आई वेंट ओवर देयर टू द रिसॉर्ट, मैं जाकर देखा हूँ द एफर्ट्स दे केप इन द डे नाइट ईच एंड एवरी थिंग वी हैव सीन ओवर देयर. दिस इज अ परफेक्ट शो ऑफ मिस्टर एंड मिस पंचाल एंड दिस इज जस्ट द बिगनिंग. देर इज लॉट्स ऑफ वे टू मोर टू गो ओवर देयर एंड आई विश देम इट. थैंक यू, ऑल द बेस्ट. आई एम सो प्राउड टू कम हियर और ये शो इनका देख के तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा. आई हैव बीन टू मिस इंडिया मिस इंटरनेशनल कॉन्टेस्ट ऑल्सो, बट ये इतना ब्यूटीफुल लगा, स्पेशली द महाराष्ट्र फर्स्ट एंट्री जो लड़की को हुई. एंड व्हाट आई लव इज कि दीज गर्ल्स आर नॉट मॉडल्स एंड प्रोफेशनल्स, बट जिस तरह इन्होंने उनको ट्रेन किया है, दे लुक सो प्रोफेशनल, दे लुक सो गुड, कि मैंने इनको प्रॉमिस किया है कि नेक्स्ट ईयर I would love and come and give one lecture to them, to the upcoming model. Bright इसके हिस्सा हिस्सा है और स्मृति जी और शेखर जी को मैं धन्यवाद करता हूँ कि इतना बड़ा इवेंट उन्होंने किया और बरसों से 5 साल से इवेंट कर रहे हैं और 99% मूवी सीरियल एवॉर्ड एल्बम में ब्राइट जुड़ा हुआ है और ऑफिशियल आउटडोर पार्टनर हूँ. मुझे बहुत खुशी है कि मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ और महाराष्ट्र का एक इवेंट हो रहा है और उसका मैं साथ दे रहा हूँ. कि बेसिकली क्या होता है कि ये एक इनको शुक्रिया अदा करना चाहिए, एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं लोगों को, मोहतरमाओं को जीवन में आगे बढ़ने के लिए कि वो किचन से निकल के आगे बढ़ें. इससे बड़ा प्लेटफॉर्म और क्या हो सकता है. कि अभी मैं सुन रहा था अंदर बहुत खूबसूरत बात बोल रही थी मोहतरमा कि रात को 12:30, 2:30, 3:00 भी किसी की मदद के लिए वो पहुँच जाती है. तो इस तरह के लोग सामने आ रहे हैं और इसके लिए प्लेटफॉर्म इन्होंने दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद. और इसी तरीके से मैं तो दुआएं करूंगा, शुभकामनाएं दूंगा कि इनका जो अप्सरा अवार्ड है, अप्सरा जो फेस्टिवल है, ये और आगे बढ़े. अप्सरा महाराष्ट्र ये जो कॉन्सेप्ट है वो दिमाग में पहले से चल रहा था, हमको कुछ करना चाहिए क्योंकि हमारी सोसाइटी में महिलाओं को जो इम्पोर्टेंस देना चाहिए अब तक मिलता नहीं है. तो इस अप्सरा कॉन्टेस्ट के जरिए मैं उनको एक प्रोत्साहन देना चाहता हूँ कि वो लोग ज़िंदगी में शादी हुई है हो या नहीं हुई है लोग ही, लेकिन उनको जो देखने का जरिया है वो आम इंसान को लोगों के लिए बदलना चाहिए. क्योंकि अब तक जो इम्पोर्टेंस देना चाहिए था, जो सुबह से उठ के वो लोग शाम तक अपनी ज़िंदगी में जितना बिजी रहते हैं, सुबह उठते ही जैसे बच्चों के और पति के लेके शाम को जब तक पति आता नहीं है घर पे, बच्चे घर पे आता नहीं है, तब तक उनकी जो क्रियाएं होती हैं उनमें से बाहर नहीं आ पाती है वो. ये करने के बावजूद भी उनको एक और ये प्लेटफॉर्म है जहाँ से वो उनको एक अच्छा लेवल मिलेगा कि भाई एक अचीवमेंट और भी कर सकते हैं लाइफ में. घर के बाहर निकल के अपने पैरों पर खड़ा रहना उनको सीखना बहुत ही ज़रूरी है आज के ज़माने में. क्योंकि आज इतना कॉम्पिटिटिव ज़माना है कि खाली एक हस्बैंड घर में पैसा लेके आने से घर चलता नहीं है, क्योंकि लोगों का देखने का पूरा चेंज हो गया जरिया. तो एक महिला भी उसमें मदद करती है तो क्या है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में बहुत ही अच्छा सुधार हो सकता है.